हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,187 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,024। काफ़ी चौपी मार्केट था शुरू में निफ्टी इंडेक्स को अगर देखे तो। ये कुछ 5 मिनट का चार्ट फ्राइडे का इस तरह से दिखाई दे रहा था। शुरू में यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बना क्योंकि एक फिर से गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स सेकेंड टारगेट के पास ओपन हुआ और जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक हुआ और दोबारा फिर टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा था तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,002 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,979 ये भी अचीव हुआ। और काफ़ी देर आप देखें तो इस जोन में ये ट्रेड कर रहा था, इस जोन में ये ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही ये ट्रायंगल का जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दे दिया ये इस तरह से, तो और भी तेजी से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आते हुए दिखाई दिया। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये तो फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। अभी वीक खत्म हो चुका है तो सबसे पहले वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट में हमने ये 3 पॉइंट पकड़ के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और 20 AMA का सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन और 20 AMA के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक जो ट्रेंड है वो अपसाइड ट्रेंड है ऐसा हम मान के चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, हमने लास्ट वीक में भी इसे ड्रॉ करके दिखाया था, तो अभी यहाँ पर 50% का ये जो ऊपरी लेवल है 15,205 के पास, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर वीकली चार्ट में क्लोज नहीं हो पा रहा है निफ्टी इंडेक्स। अगर 15,205 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी हमें 15,585 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड अप ट्रेंड में है वीकली चार्ट में। अभी डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट में अभी फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स 20 AMA का ये जो पिंक लाइन है इसको सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अगर लास्ट 2 दिन का ये कैंडल देखे तो दोजी जैसा कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। और अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर एक प्रॉबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि ऐसा पैटर्न यहाँ पर बन सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड हो सकता है और ये हो सकता है राइट शोल्डर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसे ये जो नेक लाइन बनेगा इसको ब्रेक करना होगा, तो यहाँ से ज़बरदस्त तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। ये पैटर्न बन सकता है ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अभी फिलहाल निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 20 AMA के पास। अभी मंडे को क्या हो सकते हैं लेवल्स वो देखते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 60 मिनट के चार्ट में अगर ये फ्राइडे का लो अगर ब्रेक कर देता है यानी अराउंड 14,857 को अगर ब्रेक कर देता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,829, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,804, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो देख लीजिए 60 मिनट के चार्ट में हर्डल्स कितने हैं। ये तीनों मूविंग एवरेजेस यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बीच में हर्डल्स है। इसके ऊपर कंफर्टेबली आने दीजिए निफ्टी इंडेक्स को, यानी ये जो
लास्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स यानी 15,033 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,056, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,077, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स हैं, अभी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए वो देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है, 60 मिनट का चार्ट। अभी आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निफ्टी इस लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हो रहा है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट और अभी ये थर्ड अटेम्प्ट को है, तो अगर ये थर्ड अटेम्प्ट अगर फेल हो जाता है यानी इस लेवल के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स चला जाता है यानी 34,975 के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 34,869, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,748, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ऊपर की तरफ आता है यानी नॉर्थ साइड, तो फ्राइडे का हाइएस्ट क्लोजिंग प्राइस आर्ली चार्ट में 35,472 के पास है, इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,543, ये हमारा एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे यानी 35,641, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।